बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड पर धमाका, 6 लोग हुए घायल। बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड पर धमाके में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, सामने आई तस्वीरें। ब्लास्ट पर सुरक्षा बल अभी जुटा रहा है जानकारियां, मौके पर पहुंची टीम। पुंछ में आतंकियों की घेराबंदी जारी, जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश। पुंछ में पिछले कई दिनों से जारी है सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन, थल सेना प्रमुख ने भी मौके पर पहुंचकर लिया था जायजा। मुंबई हाईकोर्ट ने आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई, सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज की थी याचिका। अब आर्यन की उम्मीदें बॉम्बे हाईकोर्ट पर, लेकिन एनसीबी करेगी जमानत का विरोध। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका सूचीबद्ध 57 नंबर पर सुनवाई, 9 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था आर्यन। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई, अरबाज के पिता ने कहा बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय। एंजाइटी है, अच्छा है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है, इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिलकर बहुत रोया। दिल्ली पहुंचे विवादों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, एनसीबी चीफ से करेंगे मुलाकात। Cannot comment on anything. सर, लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर, रुक कर. अरे एक मिनट, we will give proper answer to everybody. नवाब मलिक के आरोपों पर भड़का समीर वानखेड़े का परिवार, पत्नी क्रांति ने कहा सारे आरोप राजनीति से प्रेरित, मेरे पति ईमानदार अफसर। ये सारी चीजें आज हमें प्रूफ करनी पड़ रही है, और वो किस लिए? सिर्फ समीर की ईमानदारी की वजह से, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा दबाव काम नहीं कर रहा। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी कर रहे हैं अंदरूनी जांच, एक्शन से रोकने की मांग, मुंबई कोर्ट ने की खारिज। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोपों की नई किश्त जारी की, जाति और धर्म को लेकर झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। नवाब मलिक ने जारी किया एनसीपी के जोनल डायरेक्टर का बर्थ सर्टिफिकेट, बोले पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है, बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। समीर वानखेड़े पर लगे ताजा आरोपों पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बोले ये तो अभी इंटरवल है, आगे की कहानी मैं बताऊंगा। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। लखनऊ में सरेंडर नहीं कर पाया आर्यन, केस के गवाहों में शामिल किया गया किरण गोसावी, आज तक से बातचीत में बताया जान का खतरा। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता दिखा था किरण गोसावी, एनसीबी ने बनाया गवाह, लेकिन अभी तक चल रहा है फरार। प्रभाकर सेल के आरोपों को लेकर एनसीबी को झटका, सेशन कोर्ट ने किसी भी दखल से किया इनकार। प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, शुरू हुई विभागीय जांच, तलब किए गए दिल्ली करने के लिए। ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मंत्री नवाब मलिक ने किया सवाल, फर्जी दस्तावेजों से पाई नौकरी पाने पर समीर वानखेड़े और उनके पिता के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई, क्या उन्हें दी जाएगी सजा? पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया, आज तक उनकी भी कंप्लेंट होगी, आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा, जो पेंशन है वो भी बंद होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नवाब मलिक, कोई जांच एजेंसी गलत नहीं होती, एक गंदी मछली गंदा कर देती है तालाब। गुजरात के मंत्री पुर्णेश्वर मोदी से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी मुश्किल, कोर्ट ने 29 अक्टूबर को फिर कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश। पुर्णेश्वर मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट से की अपील, चुनाव अधिकारियों का भी हो क्रॉस एग्जामिन, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के समर्थन में आगे आई हिंदू सेना, दिल्ली की दीवारों पर लगाए पोस्टर। आज शाम 4 बजे होगी मोदी मंत्रिमंडल की बैठक, चुनाव वाले राज्यों में केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की संभावना। 21 अक्टूबर को हुई थी मंत्रालयों की ऐसी ही समीक्षा बैठक, पीएम मोदी का आदेश, कार पूल करके आए मंत्री,
काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगी ममता बनर्जी, छठ पूजा के बाद मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। उधम सिंह नगर में किसानों ने किया सीएम के कार्यक्रम का विरोध, हेलीपैड पर किया कब्जा, रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। एक बार फिर सियासी समझ में उतरे लालू यादव, बिहार उपचुनाव में करेंगे प्रचार, कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू की जनसभा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस से छिड़ी जंग पर बोले लालू, बिहार में कांग्रेस की स्थिति सभी को पता है, क्या क्या जमानत जब्त कराने के लिए कांग्रेस को दो सीट। गठबंधन क्या होता कांग्रेस का, क्या होता कांग्रेस का गठबंधन, और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। लालू यादव की कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने की नसीहत, कहा देश की जनता इस वक्त चाहती है विकल्प। तेज प्रताप तेजस्वी की सियासी जंग के बीच लालू यादव ने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की, कहा मेरी अनुपस्थिति में बखूबी संभाली पार्टी, उम्मीद से ज्यादा सीटें जीती आरजेडी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा लालू यादव सांप्रदायिकता के खिलाफ बड़ा मिशन खड़ा करने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग नाव में बैठकर छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस को दी चुनौती, अगर कांग्रेस को खुद पर इतना भरोसा तो देश की 543 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर बीजेपी को कर दे सत्ता से बाहर। तभी कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। अगर ये भ्रम है कांग्रेस को तो 543 पर कांग्रेस लड़के बीजेपी को हटा दे सत्ता से। बिहार में बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर भड़के कांग्रेस नेता शकील अहमद खान, आरजेडी को याद दिलाया उसका इतिहास। राष्ट्रीय जनता दल को अपना इतिहास मालूम नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास आजादी से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके सरकार बनाने का नहीं रहा है। ये इतिहास अगर रहा है तो माननीय लालू प्रसाद जी का 89 में रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कांग्रेस से सवाल, लालू यादव ने उनके नेता को दी गाली, क्या आरजेडी से नाता तोड़ेंगे सोनिया और राहुल। इन्हें जिस गाली गलौज की भाषा में और बिहार के जो कांग्रेस के प्रभारी उनके बारे में कहा है, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी क्यों चुप है, सोनिया गांधी क्यों चुप है। लालू के चुनाव प्रचार में उतरने पर सुशील मोदी ने कसा तंज, कहा हमारा काम हुआ आसान, उन्हें देखते ही समस्याओं से हटकर जंगल राज की ओर जाता है जनता का ध्यान। सुशील मोदी बोले जिनके राज में लालटेन लेकर चलने को नौबत थी वो अब लालटेन बुझाने पर बिजली संकट की कर रहे हैं बात। दिल्ली में आज कांग्रेस का विधानसभा चुनावों पर मंथन, प्रियंका समेत मीटिंग में पहुंचे तमाम दिग्गज नेता, लालू यादव को बयानों में संयम बरतने की नसीहत दी। अमित शाह का कश्मीर दौरा आज खत्म, आज पुलवामा के 40 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीती रात अमित शाह पुलवामा के लेजपुरा सीआरपीएफ कैंप में रुके जवानों का बढ़ाया हौसला, जवानों के साथ शाह ने खाया रात का खाना। एलजी मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला भी थे साथ, गृहमंत्री को अपने बीच पाकर जवान खुश। दल झील पर शिकारा फेस्टिवल में शाह ने की शिरकत, रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। अमित शाह ने कल गांधरबल, पुलवामा और श्रीनगर के कई कार्यक्रमों में की शिरकत, विकास कार्यों का लिया जायजा, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। श्रीनगर में भी शाह ने कश्मीरियों में जगाया भरोसा, सभा में खुद के लिए लगवाया बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। जनसभा के बाद लोगों से मिले शाह, अपने बीच गृहमंत्री को पाकर लोग खुश। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को दी कई सौगात, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन, आज दिल्ली वापस लौटेंगे शाह। दो दिन के अयोध्या दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, सरयू घाट पर आरती में शामिल हुए दिल्ली के सीएम। भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलकर काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोकता। आज सीएम केजरीवाल ने किए रामलीला के दर्शन, अयोध्या दौरे को लेकर कुछ संत हैं खफा। राजस्थान में बीजेपी के विधायक का सनसनीखेज दावा, कहा हमने बचाई थी कांग्रेस की गहलोत सरकार। दिल्ली में प्रदूषण घटाने की सरकार की मुहिम, पर्यावरण मंत्री ने शुरू किया रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। बेंगलुरु में खुल गई 5वीं तक के स्कूल, स्कूलों में बच्चों की तादाद दिखी कम। भुवनेश्वर में भी कोरोना का खतरा कुछ कम, 8वीं तक के स्कूल खुले।
अंबाला में देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी पर लोग खफा। सहारनपुर नेशनल हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को सपा ने की आर्थिक मदद। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के चेक सौंपे। नोएडा में त्योहारी सीजन में पुलिस है अलर्ट, कई इलाकों में की पेट्रोलिंग। झुंझुनू में एंटी करप्शन एजेंसी की कार्रवाई, 20,000 की रिश्वत लेता पुलिस अफसर गिरफ्तार। हाजीपुर में 46 किलो चांदी की लूट, ज्वेलर को गन पॉइंट पर लूटा। कटिहार में चुनावी रंजिश में दिला देने वाली साजिश, एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश, एक आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में रंजिश में हमला, एक शख्स की मौत, पत्नी और बेटी घायल। दिल्ली के सीमापुरी में दर्दनाक हादसे में 4 की गई जान, एक मकान की 3री मंजिल पर लगी आग, एक ही परिवार की 2 महिला और 2 पुरुषों का घुटा दब।